राष्ट्रपति निर्वाचन पर प्रकाश पाला विज्ञप्ति निर्वाचन आयोगों निर्देश क्रमे विधानसभा नोटिस बोर्ड में विज्ञप्ति लगाई विधानसभा हो भोट विधायक माने भोट देवा सहित सांसद भी चाहिए विधानसभा परिसर में भोट दे पारे आज नामांकन आरंभ हो 29 तारीख पर्यंत चलो जून 30 में नामांकन जांच होगा बेले जुलाई 2 में नामांकन प्रत्याहर कर जुलाई 18 हो राष्ट्रपति निर्वाचन पर भोट ग्रहण 21 में भोट गणति हो फल प्रकाश पाव से नोटिफिकेशन अनुसार आज पब्लिक नोटा इश्यू हो पब्लिक नोटा आम नोट बोर्ड में समस्त गणमाध्यम थ्रु रिपब्लिकेशन आज आज नामांकन पत्र दाखिल हम 29 तारीख पर्यंत 30 तारीख में स्क्रुटिनी नॉमिनेशन रो स्क्रुटिनी नि 2 तारीख पूर्व विथड्रॉल हो पार एवं राष्ट्रपति निर्वाचन जो इलेक्शन डेट पोल डेटा से 18 जुलाई संपर्क अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्यज्योति देखा राष्ट्रपति निर्वाचन पर जो नामांकन आरंभ हो 29 जाए चलो एवं गोटे प्रकार नोटिस भी बाहर सारी बोर्ड मत विधानसभा नोटिस बोर्ड भी विज्ञप्ति लगी सारी अपडेट कौन है कारण देखो जेहेतु विधायक मैंने भी भोट देते सब बड़ कथा हूँ सांसद मैंने चाहिए भी विधानसभा भोट से पारे निश्चित भाव जुलाई 18 तारीख में राष्ट्रपति निर्वाचन आज विधिवत भाव में विज्ञप्ति प्रकाश पाई एवं आज देखिए विधानसभा नोटिस बोर्ड रे विज्ञप्ति लगा जाएगी विधानसभा पक्षरु एवं कहिपरिबा आज तो नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ होइछि 28 तारीख रहिछि नामांकन पत्र दाखल शेष दिन एवं जून 9 रे राष्ट्रपति निर्वाचन पई तारीख घोषणा होइतिला एवं ता परठु लगातार भाबरे प्रक्रिया जारी रहिछि एवं जदि संख्या गंतु देखिबे 3 राजनीतिक दल प्रमुख भूमिका नेउछन्ती राष्ट्रपति निर्वाचन रे जहांक उपरे सारा देश नजर रही जो थे बीजेडी रही वाईएसआर कांग्रेस रही सहित अनेपटे टीआरएस रही तीन दल रही जो मान पाखे संख्या दृष्टि से मुख्य भूमिका नेवाक जाऊँच एक चर्चा आलोचना होनेपटे आप देखु आज समस्त अण बीजेपी राजनैतिक दल मान ममता डकई बैठक करे सहित किभली राष्ट्रपति निर्वाचन में प्रार्थी किए हे अण बीजेपी राजनीतिक दल मान भितर से नहीं विचार विमर्श करने ममता बानर्जी पाखापाखि 15 राज्य मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते आलोचना डाकी किंतु से गोटे बड़ कथा सामना को आसुच्छी वर्तमान समय बीजेडी से बैठक में जोग देना बीजेडी जमी पूर्व समुद्रता कथा कही आसला वर्तमान से समुद्रता कथा कहवा सह से बैठक जाए ना अर्थात क्यों ना क्यों गोटे स्पष्ट जे विरोधी जो विकल्प कथा चिंता करते विरोधी जो कथा चिंता करते बर्तमान फेल मार विरोधी रणनीति फेल मार ममता बानर्जी जो लीडरशिप ने चेस्टा करते राष्ट्रपति निर्वाचन जो प्रार्थी देवा कथा चिंता कराला कांग्रेस को साथी नहीं जो प्रार्थी दिखाई यूपीए तरफ जो चर्चा आगु लगी रही थी कि कारण देखो एनडीए पाखे तो संख्या रही कि जो आंचलिक दल तीन खास करी तीन भितर दुई उपर विशेष गुरुत्व दि जाऊला कि राजनैतिक समीक्षक मान जो रही गुरुतारोप करते गोटे हूँ बीजेडी और गोटे हूँ वाईएसआर एवं जमी आप कहते कि बीजेडी समद्रता मेन्टेन कर अर्थात जो चर्चा लगी रही जो आशंका कराला कौटना कौटि मानने सत हाँपी जाऊँगी कि राष्ट्रपति निर्वाचन को जब आम आखि आगे रखा देखो निश्चित भाव में बीजेडी जिते पूर्व बीजेडी कौन से नेता मान प्रतिक्रिया कहते राज्य जहाँ स्वार्थ रही जातीय जातीय स्तर में जो मुद्दा रही से सब प्रसंग को देखिकी ही निष्पत्ति निजी जड़े लोक पछा जाए देशर सर्वबृहत जेहेतु कहीपर गोटे आसन राष्ट्रपति आसन से जड़े लोक बाचवापर ही अर्थात से भाई जन लोक तार भोट देव बीजेडी सपक्ष में जीव निहाती भाव में जिते ममता जो बैठक डाकिले से जाऊनी बीजेडी एथ गोटे बार्ता जाऊँगी जे क्यों ना क्योंकि एनडीए आड़कू जीव ए कथा चर्चा आलोचना होतु आउ कि समय अपेक्षा बीजेडी जिते नीरवता भांग प्रकृत में क्यों आड़ को बीजेडी जीव एनडीए ना यूपीए क्या सपक्ष में जाऊँ आधार को मुख्य
ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି ବିଜେଡି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ। ଏହି ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ବିଧାନସଭା ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ବି ଲଗାଯାଇଛି। ବିଧାୟକମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ସହିତ ସଂସଦ ବି ଚାହିଁଲେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଜୁନ୍ 30ରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଜୁଲାଇ 2ରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଜୁଲାଇ 8ରେ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। 21ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।